हेलो गाइज, आज की वीडियो में बात करूंगा रिलायंस फाउंडेशन स्कॉलरशिप स्कीम में फॉर्म कैसे भरें। दोस्तों, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। इसको जानने के लिए वेबसाइट hindi.com पर आना होगा। इसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जहां से क्लिक करके आप इस वेबसाइट पर डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, आपको एक आर्टिकल मिल जाएगा। आर्टिकल को आपको रीड आउट करना है। यदि आप इस फॉर्म को भरते हैं तो आपको 2 लाख से 6 लाख तक रुपया स्कॉलरशिप के रूप में मिल सकते हैं। इसके लिए आपको एक एग्जाम भी देना होगा, जो कि आपको पहले बता देना बहुत ही जरूरी है। नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद में यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है रिलायंस फाउंडेशन अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप, और यहाँ पर देखिए दिया हुआ है रिलायंस फाउंडेशन पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप। दोनों में से किसी को भी आप भरते हैं तो डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे, उसका जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर स्कॉलरशिप में आवेदन कैसे किया जाता है यहाँ पर दिए गए हैं। यदि आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर लिंक मिल जाता है ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए, और ऑफिशियल वेबसाइट का भी। यदि आप पूछना चाहते हैं या समझना चाहते हैं या किसी बात पर परामर्श लेना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए मेल दी गई है, इस पर मेल आप भेज सकते हैं। इसके अलावा हेल्पलाइन नंबर है जो कि ऑफिशियल है, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है। यहाँ पर टाइम भी है, आप इस पर कॉल भी कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन कैसे करें के सामने यहाँ क्लिक करें के बटन पर क्लिक करना है। आपके सामने इस तरह का इंटरफेस दिखाई देता है। आप देख सकते हैं रिलायंस फाउंडेशन स्कॉलरशिप का यहाँ पर वेबसाइट ओपन हो गया है। होम पेज पर आने के बाद यहाँ पर देखिए अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप दिया हुआ है और यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप दिया हुआ है। नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ इंट्रोडक्शन, आप रीड आउट कर सकते हैं। स्कॉलरशिप का फीचर दिया हुआ है, यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है, इसे भी आप रीड आउट कर सकते हैं। नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर देखिए एलिजिबिलिटी दिया हुआ है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पढ़ लेना है। यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है किसको भरने के लिए 12वीं पास यानी कि 60% मार्क्स होना जरूरी है, और यहाँ पर दे रहा है कि फर्स्ट ईयर में फुल टाइम अंडर ग्रेजुएट यानी कि डिग्री कोर्स में एडमिशन होना जरूरी है। अप्लाई करने के लिए नीचे आना है और क्लिक हियर टू अप्लाई के बटन पर क्लिक करके ऑनलाइन आवेदन करना है। क्लिक हियर टू अप्लाई पर क्लिक करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस दिखाई देता है। यहाँ से आप चेक कर देंगे। चेक करने के बाद यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन है डिटेल्स आप फिल करेंगे। फिल करने के बाद सबमिट कर देंगे। इसके अलावा आप पोस्ट ग्रेजुएट का फॉर्म भरना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए बटन दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। पोस्ट ग्रेजुएट के बटन पर क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस दिखाई देता है। इसको आप रीड आउट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर देखिए टेस्ट के लिए भी कहा जा रहा है, और नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पर देखिए इंटरव्यू स्टेज है, सिलेक्शन प्रोसेस है, इसको आप रीड आउट कर सकते हैं। यदि आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है मैथमेटिक्स, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग होना चाहिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है पोस्ट ग्रेजुएट का जो भी है कोर्स यहाँ पर दी गई है। अप्लाई करने के लिए नीचे फिर आना है, क्लिक हियर टू अप्लाई के बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर गेट CGPA चूज कर सकते हैं, जो भी है आपके केस के अनुसार चूज करें। यहाँ पर गेट चूज करें। यहाँ पर IM के बटन पर टिक करके आपको वेरीफाई करना है। यहाँ से सभी डिटेल्स को फिल करके सबमिट करना है। यहाँ पर सबमिट करने से पहले आपको आवेदन फॉर्म के बारे में फॉर्म लेना चाहिए, रीड आउट कर लेना चाहिए। यहाँ पर एप्लीकेशन पोर्टल पर क्लिक करना है। एप्लीकेशन पोर्टल पर आने के बाद लॉगिन पेज आपके सामने मिल जाता है। यहाँ से यूजर आईडी पासवर्ड डालने के बाद में आप लॉगिन कर सकते हैं। यह लॉगिन तभी होगा जब आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेंगे। दोस्तों, इसके पहले बता दूं कि आवेदन भरने के पहले आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, फोटोग्राफ अपलोड करने होंगे, तो उसको आप सही से पहले से ही क्रॉप करके रखें ताकि अपलोड करने में दिक्कत ना हो। इस वीडियो में रिलायंस फाउंडेशन स्कॉलरशिप के बारे में बताया हूं। यदि आप रीड आउट कर लिए हैं या कोई सवाल आपका रह गया है और आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद।